श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हमारे चैनल गौरा महादेवा पर आपका स्वागत है। पूज्य गुरु जी के बताए हुए उपाय को हम करके दिखाते हैं और आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करते हैं। आज का बहुत सरल और बहुत आसान उपाय है। गुरु जी ने बताया है यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिसका कोई काम अटक गया है, काम नहीं हो रहा है, बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है, उसको काम उसका आज ही होना है। आज अगर उसका काम नहीं हुआ तो उसका बहुत नुकसान होने वाला है। अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो उस व्यक्ति के लिए गुरु जी ने बहुत सरल और बहुत आसान उपाय बताए हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा काम हो, आपका रुका हो और अगर आज वह काम होना अति आवश्यक है, आज बहुत जरूरी है वह काम होने के लिए, तो आप शंकर भगवान के शरणागत हो जाएं। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। यह उपाय करना कैसे है, तो आपको जहां शंकर भगवान के मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हैं उसके पास में कोई बेलपत्र का पेड़ ढूंढ लो। आप जिस मंदिर के पास में पूजा अर्चना करने जाते हैं वहां शंकर भगवान के मंदिर के पास में बेलपत्र, आंवला पत्र, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, यह सब वृक्ष आपको मंदिर के पास में मिल ही जाते हैं। तो आप जिस शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, जिस भी मंदिर में आप जाते हो, उस मंदिर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र के पेड़ के पास आप पहुंच जाएं। सामान आपको क्या लेके जाना है, यह उपाय करने के लिए आपको सामग्री क्या लगेगी, उसके लिए ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक मूंग का दाना, एक चावल का दाना। अगर आपके पास मूंग का दाना न मिले तो आप सिर्फ चावल भी लेकर जा सकते हैं। चावल साबुत होना चाहिए, चावल टूटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। और एक लोटा जल, जल तो आप हमेशा की तरह अपने घर से एक लोटा जल मटके से, परिंडे से, अपने पीने वाले स्थान से, जो पानी आप जहां से पीते हैं उस स्थान से एक लोटा जल लेकर आप शंकर भगवान के मंदिर के पास में जो बेलपत्र हो वहां पर पहुंच जाएं। बेलपत्र के पेड़ के जड़ में देख लें, जड़ के पास में कोई कंकर, जो आपको कंकर मिल जाए उसी का शंकर मानकर आप वह चावल का दाना या मूंग का दाना आप समर्पित कर दें और एक लोटा जो जल लेकर गए हैं वह आप शंकर भगवान को समर्पित कर दें। अपनी पूजा अर्चना कर लें और जो आपका कष्ट है, जो आपकी कठिनाई है, जो आपका रुका हुआ काम है, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, वह काम को आप स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ से विनती करके आप चले आए अपने घर पे। आपका काम 2 से 3 घंटा होते होते भगवान भोलेनाथ आपका काम शुरू कर देंगे। आपके काम, जो काम रुका हुआ है, उस काम में भगवान भोलेनाथ लग जाएंगे और आपका काम 2.5 से 3 घंटा के अंदर वह काम आपका हो जाएगा। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवारजनों में वीडियो को शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें।